Pakistan waiting Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. This is Ashraf Ilwani from cricketholic.pk. आज मेरे साथ मौजूद हैं समा न्यूज़ के बहुत बड़े एक एंकर कादिर ख्वाजा साहब, जो कि मेरे साथ डिस्कस करेंगे लाहौर कलंदर के स्क्वाड को, और हम देखेंगे कि क्या पॉसिबल 11 प्लेइंग 11 बन सकी है लाहौर कलंदर के स्क्वाड की, और किस तरह से लाहौर कलंदर्स ने अपने गेम को आगे लेकर जाना है PSL के बकिया मैचेस के अंदर। तो कादिर भाई थोड़ा सा बताना चाहेंगे लाहौर कलंदर के बेसिकल जो पूरा स्क्वाड है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या क्या समझते हैं कि कितना वो लोग कामयाब होने के मुताबिक है। अच्छा आशिर, मुझे आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है, बस सवाल समझ नहीं आया। ठीक है, मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैं बेसिक आपका लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड के बारे में पूरा एनालिसिस सुनना चाहता हूँ ओवरऑल, कि क्या स्क्वाड है, किस तरह का स्क्वाड है, किस तरह के गेम खेल सकते हैं वो लोग, और क्या इनकी जो है मेन मेन चीजें हैं जो कि लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड को ऊपर लेकर जाती है। देखिए, लाहौर कलंदर की बात की जाए तो लाहौर कलंदर में जो पिछले जो 5 एडिशन थे उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अलबत्ता 4 एडिशनों में परफॉर्मेंस उनकी सबसे नीचे रही ग्राफ में, 5वें में उन्होंने कमबैक किया और 5वें में आपको बताया कि वो अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए ऊपर आए, और फिर उसके बाद अभी जो 6ठा था उसमें भी उनके जो शुरू के मैचेस थे वो बड़े सस्पेंस वाले रहे, और उसके बाद से उन्होंने कमबैक करना शुरू किया। हफीज की भी फॉर्म आई हुई थी वापस, और उसके बाद बेन डंग भी थे, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंसेज अभी लाहौर कलंदर से जिस तरह एक्सपेक्ट किए जा रहे थे उस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेज नहीं दी। अलबत्ता उनसे तो बेहतर है जिस तरह क्वेटा ने खेला और बाकी जो मुल्तान है उनसे बेहतर है, लेकिन लाहौर कलंदर के पास अभी भी बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। फखर जमान है, वो बताया फखर की भी फॉर्म में है, उसके बाद सुहेल अख्तर उनके कप्तान है। पिछले जब लाहौर में मैचेस हुए थे पिछले साल तो उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वहां पर भी, तो सुहेल अख्तर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अबूधाबी में जब T10 हुआ था तब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और बड़ा अच्छे से परफॉर्मेंस दी। तो उनके पास मोहम्मद हफीज है, तजर्बे की उनके पास कोई कमी है, शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है। तो ये देखें, ये जो बॉलर्स हैं ये बड़े मैटर करते हैं खासतौर पर डेथ ओवर्स में, और 4 ओवर के ये बॉलर बड़े अच्छे तेज बॉलर हैं। हारिस रऊफ ने सारी जिंदगी टेप बॉल क्रिकेट खेली है, उनको तजर्बा है कि यॉर्कर लाइन पे कैसे करना है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान टीम में हमने उनको देखा है खेलते हुए, उनको इतना खास तौर पर हमने ये चीज भी देखी थी कि डेथ ओवर्स में T20 में उन्होंने यॉर्कर लेंथ बॉल नहीं की, गुड लाइन पर बॉल थोड़ी बहुत उनकी देखने को मिलती रही, लेकिन शॉर्ट पिच की तरफ ज्यादातर बॉलर जाते हैं। जिस तरह जो हसनैन है वो भी शॉर्ट पिच डिलीवरी की तरफ जाते हैं, 145 प्लस है, लेकिन अभी खासतौर पर लाहौर कलंदर फेवरेट साइड है। ऑब्वियसली हम भी लाहौरी हैं और पूरा पाकिस्तान जो है वो राणा फवाद, जो कि काफी अरसे से मिस रहे हैं PSL में, उनकी वजह से लाहौर कलंदर को सपोर्ट करते रहे हैं। खासतौर पर राशिद खान की बात की जाए तो स्पिनर में आपको पता दुनिया का बेहतरीन स्पिनर है, हिटिंग भी कर लेते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट उनकी धोनी की बात उनकी मशहूर हुई, तो बड़ा अच्छा एक उन्होंने पिक किया लाहौर कलंदर ने। राशिद खान का सुनने में ये आ रहा था कि जब अबू धाबी जा रहे थे तो उससे पहले कि राशिद खान नहीं हो सकेंगे स्क्वाड में, उनको ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, अलबत्ता फिर बड़ी अच्छी एक गुड न्यूज आई और अच्छी खबर थी कि राशिद खान ज्वाइन करेंगे, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। UAE की कंडीशन जो है वो स्पिन विकेट्स को सपोर्ट करती है, अबू धाबी की विकेट भी इसी तरह की होगी, और जिस तरह की लाहौर में और कराची में विकेट जो है वो ज्यादातर स्लो होती हैं, बैटिंग ट्रैक इतना खासा बड़े रन नहीं बनते, अलबत्ता स्पिनर्स को बड़ी जो है वो उनको उनके पास एक माज लड़का है, बड़ा अच्छा स्पिनर है, यंगस्टर है, और उसके बाद उनके पास एक दानियाल आए हैं अभी लड़का, वो भी टेप बॉल से ही उन्होंने पिक किए हैं, राइजिंग स्टार जो भी उनका हुआ था लाहौर कलंदर्स का उसमें से उन्होंने दानियाल को पिक किया। दानियाल ने कराची में भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जो 14 जो भी बैट्समैन भी मौजूद हैं, बॉलर्स भी मौजूद हैं, लाहौर कलंदर के पास जो है वो मिली जुली साइड है, इतनी जिसको हम कहते हैं कि प्रोफेशनल जो बड़े जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो उनके पास अफराद मौजूद नहीं है, हफीज उनके पास है, फखर जमान उनके पास है, बॉलिंग में आप देख रहे हैं उनके पास शाहीन है, हारिस है, तो ये 5 लोग बड़े मैटर करेंगे खासतौर पर।
चलिए मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। राना फवाद शुरू के अंदर चार सीजन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव देखे थे, पर अब पिछले इस सीजन से और पिछले सीजन में ज्यादा खास नजर नहीं आया। समीर राणा साहब ही ज्यादातर नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर और ग्राउंड के अंदर भी, तो क्या वजूहत है इसकी? हम लोग इवन मैं लाहौर कलंदर का फैन नहीं हूँ, पर फवाद राणा का फैन तो सभी है। देखिए जो है वो लाहौर कलंदर की जान है और वो जब आते हैं तो उनके बाद मेला और समा ही बदल जाता है और बस मसरूफियात नहीं, को पर्सनल इशू थे उनकी कतर में, वहां पर उनके जो बिजनेस है उसकी वजह से जो है उनको थोड़ी सी अपनी मसरूफियात करनी पड़ी। लेकिन इस मरतबा अबू धाबी में चूंकि वहां पर होते हैं और उनका आना जाना वहां पर लगा रहता है, तो समीन भाई और आतिफ भाई अभी भी क्वारंटीन में, तो मुझे नहीं लगता कि आतिफ भाई फवाद भाई जो है वो क्वारंटीन में है, वो उनको ज्वाइन करेंगे क्योंकि जो जो क्वारंटीन में है वहां पर अबूधाबी में होटल्स में टीम के साथ, वो वही जो है वो आपको डगआउट में भी नजर आएगा और किसी को भी अबूधाबी स्टेडियम में शेख जायद स्टेडियम में एंट्री की इजाजत नहीं होगी, चाहे वो ऑनर होगा या जो भी उनका टीम मैनेजर का बंदा होगा, जब तक वो क्वारंटीन नहीं करेगा होटल्स में। तो इसीलिए किसी ने देखना है तो ऑब्वियसली तो भी यही होगा कि जब तक मैं नहीं आया तो टीम जीतती रही है, तो मेरी टीम हो सकता है जीत जाए मेरे ना आने से ही, तो ये भी फैक्टर होगा। और बस समीन भाई और रातिब भाई दोनों ही देख रहे हैं टीम को, अलबत्ता क्वारंटीन में फवाद राणा नहीं है, तो इस मरतबा भी हम फवाद राणा को मिस करेंगे और उनकी पुरानी यादें वाबस्ता होंगी, उसी से इंजॉय करेंगे। पर... जी कादिर भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपसे लिए, आपने बहुत अच्छी बात करी उधर फवाद राणा के बारे में, टीम स्क्वाड के बारे में। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ था बीपीएसएल 6 का, उसके अंदर लाहौर कलंदर ने पिक किया है टिम डेविड को और सुल्तान अहमद को, कॉलम फर्ग्यूसन ने भी स्क्वाड को ज्वाइन किया है, पर टिम डेविड और सुल्तान अहमद इन दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए भाई जो टिम डेविड है वो बेसिकली सिंगापुर की और वहां पर वो उनके वालिद साहब ऑस्ट्रेलियन थे, इस वजह से वहां पे शिफ्ट हो गए, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेली, आपको पता है बिग बैश में भी उन्होंने क्रिकेट खेली, तो T20 में उनके जो है वो 14 मैच और 518 रन है, 46 की एवरेज है, बड़ी अच्छी एवरेज है और बड़े हार्ड हिटर है। तो टिम डेविड को ऐसे ही नहीं पिक किया, वो बाहर नजर ना ग्रूम नहीं हुए, पब्लिसिटी उनको मिली, लेकिन वो अच्छे हार्ड हिटर है और ऑलराउंडर बैट्समैन है, तो बड़े अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं, ऑफ्रेक लाभ लगती है, तो टिम डेविड अच्छी पिक है लाहौर कलंदर के लिए। सुल्तान भी जो है वो आपको पता है कि उनकी आप कलाइयां देख ले, उनकी आप जिसामत देख ले, तो ऐसे लगता है कि वो बस क्रिस गेल की और उनके साथ दोस्ती रही है और उनके साथ ही रहे हैं वो सारी जिंदगी, तो वो भी अच्छी पिक है, दोनों अच्छी पिक हैं, तो बड़ी मेरे ख्याल से कि लाहौर कलंदर के लिए अच्छा साबित होंगे। टिम डेविड जो है वो मिडिल ऑर्डर में आके तो अगर आपकी गेम चेंज कर सके, जिस तरह डेविड विजे थे वो भी आके, आपको पता है कि आखिरी बॉल पे उन्होंने 6 चाहिए था, शारजा में भी हमने देखा और लाहौर में भी इस तरह हमने देखा, तो वो आखिरी बॉल पे छक्का लगाने के माहिर थे। इसी तरह वो उनकी कमी अब जो है वो आपको पता है कि वो टिम डेविड पूरी करेगा। अच्छा मुझे लगता है कि टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो गया है, आपके पास ऑफ ब्रेक भी आ गए, राशिद खान है वो भी आ गए, फिर उसके बाद आपके जो दो फास्ट बॉलर हैं वो भी हैं, तो बड़ा अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है, ऊपर से बैटिंग भी अच्छी है, सुहेल अख्तर है, फखर जमान है, उसके बाद हफीज हैं, उसके बाद आपके बेन डंक हैं, बड़ी अच्छी एक साइड हमें दिखाई दे रही है और लाहौर के अंदर मजबूत इस मरतबा कॉन्टेस्टर होगा खासतौर पर पीएसएल के हवाले से। ईशान अशरफ और सलमान अली आगा पाकिस्तानी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करके, जीशान अशरफ और सलमान अली आगा बहुत पाकिस्तानी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए हैं और आगे भी इनके अंदर सलाहियत दोनों के अंदर मौजूद है कि अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सके, क्या समझते हैं इन दोनों को में से किसी एक को भी मौका मिल सकेगा? सलमान अली आगा तो पहले भी लाहौर कलंदर से खेल चुके हैं हमने देखा है, पर जिस तरह से सलमान अली आगा ने नॉर्दर्न की टीम के लिए खेला है वो रिमार्केबल था। देखिए आशिर, सलमान अली आगा का मुझे नहीं लगता कि वो उनको चांस मिल सकता है, अलबत्ता जीशान अशरफ को हम देखें तो उनको चांस जरूर मिलेगा, एक तो वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है,
अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अच्छी कीपिंग कर लेते हैं। खास तौर पर मसला सिर्फ ये है कि उनके पास कीपर कौन सा है। ज़ीशान अशरफ जो है उन्होंने कीपिंग भी, आपको पता है मुल्तान सुल्तान में जो है उन्होंने कीपिंग की, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी एक उनका, उनको अगर आप साइड में डालेंगे, बता वो अभी तक जो है वो कराची में है क्वारंटीन में, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको अब दा के आगे 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। अबूधाबी उनका वीजा कब आता है, उमर अमीन भी यहाँ पर है, तो प्लेयर्स जो है सबसे बड़ी खिचड़ी ये बकी हुई है कि अभी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी मुकम्मल तौर पर नहीं है। प्लेयर्स कब जाएंगे, कब शेड्यूल का अनाउंसमेंट होगी, कब किस तारीख को शुरू होगा, किस तारीख को खत्म होगा। सुनने में ये है कि 7 या 9 तारीख को जो है वो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और किसी किस्म की जल्दबाजी होगी, अभी जो भी कहेंगे कबल अज वक्त होगा जब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हो जाता और प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी मुकम्मल तौर पर अबूधाबी में नहीं मुकम्मल हो जाती, क्योंकि अभी जो प्लेयर्स हैं उनको तो 7-8 दिन हो गए हैं वहां पर क्वारंटीन हुए अबूधाबी में, तो यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उन वो भी जाएंगे। आज सरफराज अहमद अभी बहरीन पहुंचे थे, शाम को उनकी फ्लाइट है, वो अबूधाबी पहुंचेंगे, 6 जो लोग हैं तो वो जाके अगले 7 दिन क्वारंटीन करेंगे, फिर कब शेड्यूल आएगा, कब मैच जो है वो शुरू होंगे, तो अभी तक क्या असर आई है और अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, जो भी कहेंगे वो कबल अज वक्त ही होगा। क्या आप समझते हैं 2015 वर्ल्ड कप के हीरो जेम्स फॉकनर, उनको मौका मिल सकेगा इस टीम के अंदर जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है आपके हिसाब से? और एक और बात आपके जिसको आप बिल्कुल भूल गए प्लेयर को, वो है दिलबर हुसैन। एक तो इतना जबरदस्त नाम है उनका माशाल्लाह से, उसके बाद फिर उनकी परफॉर्मेंस जो रही है लाहौर कलंदर के लिए वो हमेशा से क्रूशल रही है, तो क्या समझते हैं आप दिलबर हुसैन और जेम्स फॉकनर, ये दोनों में से कोई खेल सकेगा या नहीं? देखिए दिलबर हुसैन लाडी जो है वो बड़े लाडले उनके बॉलर हैं लाहौर कलंदर के, और मेरा ख्याल है कि वो भी, मैं तो शायद शाहीन और हारिस के साथ उनको बॉलिंग लिस्ट में शामिल करने के लिए, तो दिलबर हुसैन लाडी अपने जिस तरह उनकी उनकी जिसामत और शक्ल सूरत है, फिर उसी के लिहाज से वो बॉलिंग परफॉर्मेंस भी करते हैं और उनका स्टाइल भी जट्टों वाला है, तो आपको पता है पंजाबी मुंडा है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। वो आपको बिग बैश में भी सर्व करके आ चुका है और वहां पर भी अच्छी परफॉर्मेंस उसने दी। अलबत्ता जब यंगस्टर हमारे यहाँ पर अलमिया ये रहा है आशिर के, तक यंगस्टर जो है उनको हम लोग ग्रूम नहीं करेंगे, उनको बगअप नहीं करेंगे, उनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो बेचारा अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से दबता रहेगा। सलाहियतें हर प्लेयर में मौजूद होती हैं, लेकिन उसको पॉलिश करना किसी किसी का काम होता है, हर कोई पॉलिश नहीं कर सकता, हर कोई किसी किस्म की जो है उस पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिसको कहते हैं कि उसके गट्स को अवेल नहीं कर सकता, लेकिन लाडी जो है वो बड़े अच्छे बॉलर हैं और फॉकनर आपको पता है तजर्बाकार बॉलर हैं, ऑस्ट्रेलिया में सर्व कर चुके हैं, तो हम उन पे तजिया करेंगे तो वो तो फिर अब ज्यादती होगी। फॉकनर बहुत अच्छे बॉलर हैं और उनको जिस तरह चांस मिलेगा, जिस तरह चांस करेंगे वो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किलात होंगी जो अवे के आएंगे हमारे जो बॉलर्स होंगे, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे, उनको अबूधाबी कंडीशन में एडजस्ट करना, 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी के अंदर आपको खेलना, और खास तौर पर बॉलर्स का इम्तिहान होगा, बैट्समैन तीनों शोबों का इम्तिहान होगा, जब आपको गर्मी पड़ी होगी और आपने बॉलिंग भी 4 ओवर 24 बॉल्स करनी है और उसके बाद बैट्समैन ने भी उधर खड़े होकर खेलना है, तो फिर आपको बड़ा मुश्किल होगा। और मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे एक दो प्लेयर हो सकता है कि पिच पे बेहोश हो जाए जितनी गर्मी वहां पर पड़ती है, तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का मसला भी हो सकता है प्लेयर्स को। अलबत्ता मुश्किलात काफी जो है वो सामने आएंगी, और अभी तक जब भी मैंने आपको कहा कि किसी किस्म का हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते जब तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हो जाता, जब तक किसी किस्म का जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती। बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बैटिंग सारों के पास अच्छी है, सारों के पास जो है वो मिडिल ऑर्डर भी तगड़ा है, बॉलिंग भी तगड़ी है, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ तगड़ी है तो यूएई की गवर्नमेंट है और अबूधाबी गवर्नमेंट है, जो अभी तक हमें जो है इसी तरह वीजे एक साथ में जारी कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे यकीन करें कि कमेटियां निकल रही हो और हम जो है वो पहले सरफराज अहमद होटल एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट से वापस आ जाते हैं होटल, सरफराज अपनी मैनेजमेंट से शिकवा करते हैं कि जी मैं होटल में कैसे रहूं, कमर्शियल फ्लाइट से जा रहा हूं, तो ये सीधे चीजें अभी जो है वो इनसे मैनेज नहीं हो रही हैं। अभी हमें
लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस पे बात तो कर ली है, लेकिन लाहौर कलंदर अब खेले भी किए कि नहीं, नजर भी आएगी अबू धाबी में या नहीं, तो हमें अभी तो इंतजार ही है। हम तो बार बार मोबाइल देखते हैं, पीसीबी का ग्रुप चेक करते हैं कि अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज आए कि शेड्यूल का अनाउंसमेंट आ गई है, लेकिन अभी तक तो जनाब अभी तक कोई नहीं आ रही, 10-12 दिन हो गए। आकिब जावेद साहब, शुरू के अंदर उनके ऊपर बहुत ज्यादा ही कुछ एक्सट्रीम किस्म का, क्योंकि बनता भी था उनके ऊपर क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो हेड कोच रहे हैं हमेशा से, और लाहौर कलंदर्स की जो परफॉर्मेंस रही है, पर लास्ट आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आकिब जावेद साहब जो कि लाहौर कलंदर के हमेशा से हेड कोच रहे हैं और पूरा उनका सब करता रहता है जब कोचिंग का मामला आता है, तो उसके अंदर उनके अंदर शुरू के 4 सीजन के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जब पर आखिर के पिछले सीजन में हमने देखा कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कम हुआ क्योंकि फाइनल तक लाहौर कलंदर पहुंची। अब इस सीजन भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी रही है लाहौर कलंदर की, तो आकिब जावेद साहब को थोड़ा बहुत लोगों ने प्रेज करना शुरू किया है, पर मैं उनके अप्रोच से थोड़ा सा मुत्तफिक हूँ कि वो प्लेयर्स को डेवलप कर रहे हैं, प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं, उनको मौके फराहम कर रहे हैं क्रिकेट खेलने के, जहाँ पे बहुत सी चीजें पीसीबी को फराहम करना चाहिए। पर क्या कहना चाहेंगे आप आकिब जावेद के बारे में? देखें, आकिब जावेद के बारे में तो कुछ कहूं या ना कहूं, अलबत्ता जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट है, जो उनके ऑनर्स हैं, उनको दाद जरूर देनी चाहिए कि उन्होंने 4 साल जब बॉटम से वो फर्स्ट आते रहे, तब उन्होंने आकिब जावेद को बर्दाश्त किया। आकिब जावेद किसी की बातों में नहीं आए, इतनी क्रिटिसिज्म हुई आकिब जावेद पर लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट पर कि आकिब को जो है वो सैक किया जाए, उनको रिमूव किया जाए, कोई नया हेड कोच लाया जाए, लेकिन लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट जो है वो डटी रही और उन्होंने आकिब जावेद पर भरोसा किया। 4 साल भरोसा करने के बाद 5वें साल रिजल्ट आना, और लाहौर कलंदर की वही मैनेजमेंट और वही जो उनके हेड कोच थे, जिसको आवाम उनकी दाद दे रही थी, आकिब जावेद को भी दाद दे रही थी कि भाई आकिब जावेद जो है वो 4 साल सब्र करते रहे और अब जो है उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो बड़ा क्रेडिट जाता है आकिब भाई को भी। आकिब भाई बहुत अच्छे कोच हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स को खास तौर पर जो यंगस्टर्स हैं, ये शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वगैरह जितने जो यंग बॉलर हैं, इनको कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने ट्रेन किया, उनको सपोर्ट किया, उनके मुश्किल हालात में, उनके मुश्किल दौर में उनका साथ दिया, तो ये बड़ी अच्छी बात होती है। और आज भी वो प्लेयर जितने भी हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी उनकी तारीफ करने किए बगैर नहीं रह सकते कि आकिब भाई ने उनका साथ बड़ा दिया। और आकिब जावेद एक ऐसे इंसान है जो यंगस्टर को खास तौर पर मौका देते हैं। टेप बॉल क्रिकेट से एक कर्नल जाहिद हैं, जाहिद बॉलर आए हैं जो काफी मशहूर हैं टेप बॉल के प्रोफेशनल क्रिकेट में, उनको मौका दिया, उनको कलंदर हाई परफॉर्मेंस में 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। जिस दिन जो कलंदर के जो राइजिंग स्टार प्रोग्राम चलते थे, मुकाबले चलते थे, उसमें उन्होंने उनको मौका दिया कर्नल जाहिद को, वहीं से पिक किया क्योंकि कर्नल जाहिद की 140+ पेस थी। ठीक है, एक प्लेयर आया मोहम्मद उमर, उसकी भी 140 से ज्यादा पेस थी, उसको ऑस्ट्रेलिया में कलंदर जो टूर्नामेंट थे ऑस्ट्रेलिया में लेके गए। दानियाल लड़का जो अब आया है, दानियाल को उन्होंने 3 साल से मेरे सामने यहाँ पर लाहौर कलंदर को जो पूरी टीम थी, दानियाल उनको प्रैक्टिस करवाता था और 3 साल उनके पास रहा, कलंदर्स ने उनको सपोर्ट किया और अब मौका दिया। कौन सी ऐसी फ्रेंचाइज है मुझे ये बताएं जो टेप बॉल के क्रिकेटर को एकदम उठा के बगैर डोमेस्टिक के आपने परफॉर्मेंस देखे, बगैर आपने उसकी बोली लगाए, उसको आप टीम में चांस देते हैं? ये सिर्फ जिगरा आकिब जावेद और आतिफ राणा और समीर राणा के पास है, ये किसी और फ्रेंचाइज के पास ना मैंने देखा है, ना वो कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो चांस नहीं ले सकते। उनके पास जो प्लेयर्स हैं, उनके पास जो मैनेजमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचती है कि डोमेस्टिक में नेशनल T20 कप से जो परफॉर्मर है उसने क्या परफॉर्मेंस दी है। इमर्जिंग में आप देख ले, किसी टेप बॉल वाले लड़के को पिक नहीं किया, आकिब जावेद हर मरतबा जब भी उन्होंने पिक किया तो टेप बॉलर को पिक किया। हारिस रऊफ को कौन जानता था मुझे ये बताएं? हारिस रऊफ को वही जानते थे जो टेप बॉल की वीडियोस देखते थे और हारिस पिंडी के नाम से मशहूर था जब वो तैमूर मिर्जा को बाउंसर करते थे या एक बॉलिंग करते थे या 6 ओवर जो सिंगल विकेट होती थी वो टेप बॉल करते थे। अब हारिस रऊफ को पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ और सिर्फ लाहौर कलंदर ने उसको मौका दिया। तो ये चीजें इनको जाता है, इसका इसका क्रेडिट जाता है लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को और आकिब भाई को कि उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ा सब्र किया और उसका आज फल इनको मिल रहा है कि हर प्लेयर जो जो भी वो प्लेयर लेके आते हैं वो पूरी दुनिया में उसकी हाइप क्रिएट हो जाती है। चले मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करूंगा और आपको ज्यादा दूंगा क्योंकि आप अभी भी बहुत अपने ड्यूटी के
ड्यूटी के सिलसिले में बिजी हैं, मैं आपको बस आप ही क्वेश्चन करके इजाजत दूंगा। कहाँ देखते हैं लॉर्ड कैलेंडर को टेबल के ऊपर इस सीजन के एंड में, प्ले ऑफ से पहले टॉप फोर में आती है लॉर्ड कैलेंडर इस सीजन में आपसे आपके आपके लिए? हेलो कातिब भाई, आवाज आ रही है? जी जी भाई जी जी, मैं बस आखिरी क्वेश्चन करना चाहता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा छुट्टी दूं मैं जल्दी से। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं लाहौर कलंदर आपके लिए पॉइंट्स टेबल पे कहां पर आती है इस सीजन के एंड में, प्लेऑफ से पहले, प्लेऑफ में जाने से पहले कौन से पोजीशन पर आप देखते हैं? भाई जिस तरह की भी उनकी टीम कॉम्बिनेशन है, और अल्लाह करे कि अबूधाबी उनको वैसे ही बड़ा रास है टी टेंटी, उनको वहां पर उन्होंने एक टी टेंट टूर्नामेंट भी वहां पर खेला, वहां पर जीता जो सुहेल अख्तर ने ही कप्तानी की थी ऐसे 2 साल पहले, और अबूधाबी की विकेट उनको काफी रास है। तो मुझे लगता है कि कराची लाहौर का एक मरतबा फिर हमें फाइनल मुकाबला हमने सामने जो रवायती हरीफ हैं डोमेस्टिक के उनको देखना पड़ेगा, और लाहौर कलंदर मैं इस मरतबा उम्मीद करता हूँ कि फाइनल में पहुंचेगी और फाइनल जीतेगी। पिछली दफा जो है वो थोड़ा सा हो गया था, लेकिन चलें कोई नहीं, इस मरतबा मैं लाहौर कलंदर को फाइनल में देख रहा हूँ, और अल्लाह करे कि फाइनल में वो पहुंचे, क्योंकि हालात बड़े टफ हैं, कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि लाहौर कलंदर प्ले ऑफ से शुरू होके तो फाइनल में जीतेगी इंशाल्लाह। चले, बेस्ट ऑफ लक फॉर लाहौर कलंदर मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाकी इसके अलावा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपने लाहौर कलंदर्स के सपोर्टर्स से उनको, तो आप कह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। भाई बस यही कहूंगा कि लाहौर कलंदर जो जितने भी सपोर्टर है ना लाहौर कलंदर के, वो थोड़ा सा हौसला करें, वो थोड़ी सी बर्दाश्त लाएं और पॉजिटिव सोचें, क्योंकि लाहौरी जो है वो काफी जज्बाती होते हैं और अपनी टीम को काफी हद तक इमोशनली सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इस मरतबा कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, आपको पता है प्लेयर्स को काफी मुश्किलात का सामना है, प्लेयर्स का भी हमें ख्याल करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो क्वारंटीन लाइफ है वो बड़ी मुश्किल है। आप एक अकेले कमरे में बंद रह के कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो आप तंग आ जाएंगे, आपको जो है वो इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हालात है उसको सपोर्ट करें, खास तौर पर लाहौर कलंदर जो है, मैं खुद लाहौरी हूँ, लाहौर कलंदर का फैन हूँ एज ए सपोर्टर, लाहौर कलंदर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़े से जज्बात पर काबू रखें, और लाहौर कलंदर अगर हार भी जाती है खुदा ना खास्ता तो उसको यार कुछ ना कहिएगा, और अगले साल के लिए थोड़ा रख लीजिएगा स्पेस, क्योंकि अगले साल जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही होगी, तो अगले साल अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। With that being said, कादिर भाई, शुक्रिया बहुत आपका ज्वाइन करने का हमें और अपना टाइम से कीमती टाइम से नवाजने का। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू लाहौर कलंदर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी।